गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास सेवन्थ का सेवन्थ की एक्सरसाइज करेंगे, वो भी कुछ चैप्टर की दशम पार्ट है, मतलब टेन चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। अपन टेन चैप्टर इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट के मतलब क्या था, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, मतलब ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तो ये अपन पढ़ चुके थे कि एक स्थान पर एक राजा रहता था और उसके साथ क्या था, एक मंत्री था। वह जो मंत्री था वो क्या बोलता था, रोज ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, हमेशा वो यही बोलते रहता था, बार बार रिपीट करते रहता था। तो एक दिन क्या होता है, उसका पुत्र, किसका, मंत्री का पुत्र क्या हो जाता, मर जाता है। जब मंत्री का पुत्र मर जाता है उसके बाद भी मंत्री क्या बोलते रहता है, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है और अच्छा करता है। तो जो राजा रहता है वो बोलता है कि तुम्हारा पुत्र मर गया, उसके बावजूद तुमको कोई दुख नहीं हुआ, उसके बावजूद तुम क्या बोल रहे हो, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। फिर उसके बाद जो राजा रहता है उसकी उंगली चाकू से क्या हो जाती, कट जाती है। तो तब भी क्या बोलता है मंत्री, कि जो ईश्वर करता है अच्छा करता है। तो मंत्री को क्या आ जाता, गुस्सा आ जाता है। जब मंत्री को गुस्सा आता है बोलता है कि तुम्हारा पुत्र मरा, जब भी तुमको कोई दुख नहीं हुआ, मेरी उंगली कटी, जब भी तुमको कोई कुछ भी नहीं हुआ, और तुम क्या बोल रहे हो, हमेशा ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तो राजा बोलता है कि दोनों भी जगह तुम सिर्फ एक ही बात बोलते हो कि जो ईश्वर करता है वह अच्छा करता है। तो फिर क्या होता है, कुछ टाइम बीत जाते हैं और वो जो राजा रहता है उसकी तकलीफ, जो उसको दर्द होता है उंगली जब उसकी कटी रहती है, तो क्या हो जाता है, वो पीड़ा उसकी क्या हो जाती, शांत हो जाती। फिर कुछ दिन बाद वो लोग कहाँ जाते हैं, मंत्री के साथ शिकार पे जाते हैं। तो शिकार पे जाने के बाद अचानक से वहाँ पे कौन आ जाते हैं, डाकू लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको शिकार के टाइम गुंडे मिल जाते हैं, मतलब डाकू लोग मिल जाते हैं। तो डाकू लोग उनको कहाँ ले जाते हैं, उनके सरदार के पास। सरदार के पास जब ले जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि जो उनकी देवी रहती है, उस देवी को क्या, बलि का कार्य चालू रहता है, कि मतलब बलि देना है। किसकी बलि देना है, तो जो डाकू लोग जो मंत्री और राजा को पकड़ के लाते हैं, तो उन दोनों में से एक एक की बलि देनी रहती है। तो पहले तो मंत्री जी को लाते हैं डाकू, है ना, उनके सरदार के सामने। तो जो उनका सरदार रहता है डाकुओं का, वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारा पुत्र है। तो मंत्री क्या बोलता है, नहीं मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र कुछ समय पहले ही मर गया। तो फिर सरदार को गुस्सा आता है, सरदार क्या बोलता है, अरे मूर्खो तुम ये किसे उठा के ले आए, पुत्रहीन, मतलब जिसका पुत्र नहीं होता है उसकी बलि देवी जी को नहीं चढ़ती है, ठीक है, उसको छोड़ दो। जब उसको छोड़ देते हैं तो बोलते दूसरे को लेके आओ। जब दूसरे को लाते हैं तो दूसरा कौन होता है, राजा। राजा को वो उनके सरदार के सामने ले आते हैं। तो जब राजा के ले आते हैं सरदार के सामने, तो उस सरदार की नज़र अचानक से राजा की उंगली पे जाती है। और वो उंगली कैसी रहती है, उंगली कटी हुई रहती है। तो जब वो कटी हुई उंगली रहती है, तो तब भी वो उनके जो सेवक लोग रहते हैं, जो उनके डाकू लोग रहते हैं, तो उनको क्या बोलता है, अरे मूर्खो फिर तुम ये किसको लेके आए, हाँ इसकी तो उंगली क्या है, कटी है। हमारी देवी को अंगहीन, मतलब जिसका अंग एक अंग नहीं होता है, उसकी भी बलि नहीं दी जाती है। तो ऐसा बोल के वो क्या बोलता है कि इसको भी छोड़ दो। तो जब समझ में आता है, जब वो दोनों भी मुक्त हो जाते हैं उन गुंडों से, डाकुओं से, सरदार से, तब जाके राजा को क्या समझ में आता है कि जो मंत्री बोलते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, तो जब उनको वो क्या समझ में आया, और तब से राजा उस मंत्री को बहुत ज़्यादा क्या करने लग गए, सम्मान करने लगे। ओके बच्चों, तो ये अपन चैप्टर पढ़ चुके थे, अब अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो अभ्यास, ओके, इसका अभ्यास करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखित। तो कस्य पुत्रस्य मृत्यु अभवत्, तो किसके पुत्र की मृत्यु हुई थी, सचिवस्य, मतलब मंत्री के, है ना। कस्य उंगली छिन्ना अभवत्, तो किसकी उंगली कटी हुई थी, तो नृपस्य, तो मतलब राजा। नृप सचिवेन सह कुत्र अगक्ष,
तो कहाँ गए थे? आंख उठाए मतलब शिकार करने। किसके साथ? राजा मंत्री के साथ कहाँ गए थे? तो शिकार करने। वने के आगक्षक दस्य मतलब डाकू। वन में कौन आ गए थे? तो डाकू। ओके, उसके बाद सेकंड क्या है? प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखे। एक वाक्य मतलब अपन को सेंटेंस लिखना है। ओके, तो सेंटेंस वाला क्या है? फर्स्ट वाला, नृपस्य सचिव नित्य नित्यम किम कथयति स्म। तो सह नित्यम, जो राजा का जो मंत्री था वो नित्य मतलब हमेशा क्या बोलते रहता था? सह नित्यम कथयति, वह हमेशा क्या बोलते रहता था? ईश्वरम यतः करोति शोभनम करोति, मतलब जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए करता है। ओके, सेकेंड है काले गले नृपस्य का शांत अभवत। समय बीतने पर राजा का क्या शांत हो गया? तो काले गले नृपस्य पीड़ा शांत अभवत। समय बीतने पर राजा की पीड़ा शांत हो गई। ओके, दस्युराजः नृपस्य कथम अत्यजत। दस्युराज मतलब जो डाकुओं का सरदार था उसने राजा को क्यों छोड़ दिया? तो दस्युराजः नृपस्य अत्यजत यतः नृपस्य उंगली, उंगली क्या थी? छिन्ना आसीत। तो डाकुओं के सरदार ने राजा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि राजा की उंगली कटी हुई थी। ओके, स्फूर्ते दस्युराजः सचिवम कथम अत्यज। तो डाकुओं के सरदार ने मंत्री को क्यों छोड़ दिया? तो दस्युराजः सचिवम अत्यजत यत् सचिव पुत्रहीन आसीत। तो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वह पुत्रहीन था, उसका पुत्र नहीं था, उसका पुत्र मर चुका था। ओके, ये हो गया अपना एक वाक्य हो गए पूरे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है अपना थर्ड, प्रश्न निर्माण कुरुत। क्या करना है? प्रश्न निर्माण कुरुत। एकस्मिन् स्थाने एकः नृपः अवसत्। तो एकस्मिन् स्थाने कः अवसत्। ओके, क्या आएगा? कः अवसत्। इसके बाद नृपस्य उंगली वृश्य चैन छिन्ना अभवत्। तो नृपस्य उंगली केन है ना छिन्ना अभवत्। ओके, पूर्ते तत्र देव्यः बलिकार्य सज्जम आसीत। तो क्या आएगा? तत्र कस्मे बलिकार्यम सज्जम आसीत, देवी पुत्रेन हीनस्य बलिम न वांछित। ओके, इसमें क्या आएगा? का पुत्रेन हीनस्य बलिम न वांछित। ओके, इसके बाद अपन को क्या करना है? संधि विच्छेद। क्या करना है? संधि विच्छेद। फोर्थ क्वेश्चन है संधि विच्छेद। तो अब संधि विच्छेद अपन करेंगे। ओके, स्थान तो फर्स्ट है तथापि, तो तथा धन अपि। ओके, क्या आएगा? तथापि। सेकेंड है छिन्ना अभवत, तो छिन्ना और अभवत। ओके, इसमें जो अभवत का उच्चारण होता है संस्कृत में, तो जब भी मिला के शब्द लिखेंगे तो आधा एस मतलब जो एस बनेगा उसको अभवत का उच्चारण बोलेंगे। ओके, उसके बाद तथेव, तो इसमें क्या आएगा? तथा धन एव। क्या आएगा? तथा धन एव। इसके बाद फोर्थ अत्रेश्वर, तो इसमें क्या आएगा? अत्र धन ईश्वर, ईश्वर है तो अत्र धन ईश्वर। ओके, उसके बाद फिफ्थ यद्यपि, तो क्या आएगा? यदि धन अपि। क्या आएगा? यदि धन अपि। सहसेव सहसा धन एव। क्या आएगा? सहसा धन एव सहसेव। नास्ति तो न धन अस्ति। क्या आएगा? न धन अस्ति। ओके, तो ये हो गया अपना संधि विच्छेद। उसके बाद आएगा अपना खाली स्थान फिफ्थ, मंजूषा उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयेत। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लैंक दिया हुआ है। ओके, तो नृपस्य एकः सचिवः आसीत्। नृप सचिवेन सह आख्यटाय अगक्षत। दस्य नृपः नृपम् आत्म अमात्यम च गृहीत्वा अनयन अनयन। ओके, दस्युराज पूर्वपुत्रहीनं सचिवम् अत्यजयत। पश्चात् सह तम, इसमें नृपम अपि अत्यजेत। ओके, ये हो गया खाली स्थान। उसके बाद है कथम शुद्धम अशुद्धम, इसमें क्या है? राइट रॉन्ग। तो राइट रॉन्ग में संस्कृत में लिखेंगे राइट को शुद्धम। ओके, ये राइट को लिखेंगे शुद्धम और रॉन्ग को लिखेंगे अशुद्धम। ओके, स्टार्ट करें।
रपस्य उंगली खंड गेंद छिन्ना अभवत, तो क्या होगा अशुद्धम, तो किस तलवार से कटी थी, नहीं काय से, छुरी से। ओके, रप सचिवेन सह युद्धाय अगक्षत, इसमें भी क्या आएगा अशुद्धम, क्या राजा मंत्री के साथ युद्ध के लिए गए थे, तो नहीं गए थे। देव्य बलिकार्य सज्जम आसीत, तो क्या आएगा इसमें शुद्धम, तो जो देव की बलियों के लिए रहते हैं उसके लिए क्या सज्जम, मतलब अच्छे लोगों की जरूरत रहती है। ओके, देवी पुत्रेण हीनस्य बलिम वांछित, यह क्या होगा अशुद्धम, देवी के लिए पुत्रहीन की बलि चढ़ती है तो उसमें क्या है अशुद्धम। ओके, रप सचिवस्य सदा सम्मान करोति स्म अशुद्धम, तो रप जो राजा था उन्होंने फिर क्या किया मंत्री का, हमेशा सम्मान किया। ओके, तो ये हो गया राइट रॉन्ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन को नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन को नहीं करेंगे हम कॉपी में, तो ये चैप्टर होता है अपना एंड। सभी को फिर कॉपी में चैप्टर टेन तक कंप्लीट करना है, उसके बाद होमवर्क कॉपी भी करना है आपको डेली डेट वाइज डेट, सभी को नीड एंड क्लियर कॉपियों में लिखना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।